अगर ये कॉन्सेप्ट्स हमको ठीक से समझ में आए तब हमारी बनाई हुई इंग्लिश लोगों को और बेहतर समझेगी। एक क्विक प्रैक्टिस करते हैं, ओके। ही टुक, उसने लिया, सम मिल्क एंड आलमंड्स, थोड़ा दूध और बादाम। ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स, उसने थोड़ा दूध और बादाम लिया। टू गिव, देने के लिए। ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स टू गिव, उसने देने के लिए थोड़ा दूध और बादाम लिया। टू हिज सिक मदर, उसकी बीमार माँ को। वाक्य, ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स टू गिव टू हिज सिक मदर, उसने उसकी बीमार माँ को देने के लिए थोड़ा दूध और बादाम लिया। नेक्स्ट सेट, द किंग, राजा। द किंग बॉट, राजा ने खरीदा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस, छः काले घोड़े। द किंग बॉट सिक्स ब्लैक हॉर्सेस, राजा ने छः काले घोड़े खरीदे। फ्रॉम द फार्मर, किसान से। द किंग बॉट सिक्स ब्लैक हॉर्सेस फ्रॉम द फार्मर, राजा ने किसान से छः काले घोड़े खरीदे। टू हेल्प, मदद करने के लिए। टू हेल्प हिज फैमिली, उसके परिवार को मदद करने के लिए। तो मेरा वाक्य है, द किंग बॉट सिक्स ब्लैक हॉर्सेस फ्रॉम द फार्मर टू हेल्प हिज फैमिली, राजा ने उसके परिवार को मदद करने के लिए किसान से छः काले घोड़े खरीदे। नेक्स्ट, सम फार्मर्स, कुछ किसान। सम फार्मर्स विल सेल, कुछ किसान बेचेंगे। सम फार्मर्स विल सेल देयर फार्म्स, कुछ किसान अपने खेत बेचेंगे। टू अर्न, कमाने के लिए। नेक्स्ट, सम फार्मर्स विल सेल देयर फार्म्स टू अर्न, कुछ किसान कमाने के लिए उनके खेत बेचेंगे। सम एक्स्ट्रा मनी, थोड़ा अधिक पैसा। सम फार्मर्स विल सेल देयर फार्म्स टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, कुछ किसान थोड़े अधिक पैसे कमाने के लिए उनके खेत बेचेंगे। नेक्स्ट सेट, सम पीपल, कुछ लोग। सम पीपल पुट, कुछ लोग डालते हैं। लॉट ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक। नेक्स्ट, सम पीपल पुट अ लॉट ऑफ सॉल्ट, कुछ लोग बहुत सारा नमक डालते हैं। टू मेक, बनाने के लिए। टू मेक देयर फूड, उनका खाना बनाने के लिए। टू मेक देयर फूड सॉल्टी, उनका खाना नमकीन बनाने के लिए। मेरा आखिरी वाक्य है, सम पीपल पुट अ लॉट ऑफ सॉल्ट टू मेक देयर फूड सॉल्टी, कुछ लोग उनका खाना नमकीन बनाने के लिए बहुत सारा नमक डालते हैं। नेक्स्ट सेट, फार्मर्स, किसान। फार्मर्स डू, किसान करते हैं। लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम। फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क, किसान बहुत सारा काम करते हैं। फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क इन द फार्म्स, किसान खेतों में बहुत सारा काम करते हैं। टू ग्रो, उगाने के लिए। देयर क्रॉप्स, उनके अनाज। टू ग्रो देयर क्रॉप्स, उनके अनाज उगाने के लिए। फार्मर्स डू लॉट ऑफ वर्क इन द फार्म्स टू ग्रो देयर क्रॉप्स, किसान उनके अनाज उगाने के लिए खेतों में बहुत सारा काम करते हैं। नेक्स्ट सेट, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। सम मिल्क एंड शुगर, थोड़ा दूध और शक्कर। आई विल बाय सम मिल्क एंड शुगर, मैं थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा। टू मेक, बनाने के लिए। थ्री कप्स ऑफ टी, चाय के तीन कप। लास्ट सेंटेंस, आई विल बाय सम मिल्क एंड शुगर टू मेक थ्री कप्स ऑफ टी, मैं तीन कप चाय बनाने के लिए थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा। नेक्स्ट सेट, आर मैटरनल अंकल, हमारे मामा। आर मैटरनल अंकल रीड्स, हमारे मामा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक, हमारे मामा एक किताब पढ़ते हैं। टू टीच, पढ़ाने के लिए। द वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर विद्यार्थी।
आर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक टू टीच द वीक स्टूडेंट्स, हमारे मामा कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक किताब पढ़ते हैं। इन माय क्लास, मेरी क्लास में या मेरे वर्ग में, आखिरी वाक्य है, आर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक टू टीच द वीक स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरे मामा मेरे वर्ग में कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक किताब पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको फ़ायदेमंद लगा होगा। आज भी आपने समय देकर पूरा सेशन देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड हैव फन।